शहर में आप देखते हैं कि गली गली में गाड़ी जा नहीं सकते, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार की एक नया कदम जो एम्बुलेंस बाइक एम्बुलेंस निकाली है। दिल्ली की जनता क्या कहना चाहते हैं, क्या होगा इससे बेनिफिट और क्या होगा इससे नुकसान, हम जानते हैं दिल्ली की जनताओं से। अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी बाइक अभी निकाली है एम्बुलेंस बाइक, क्या कहना चाहते हैं, क्या नया शुरुआत है? नहीं, शुरुआत तो है लेकिन इसमें एम्बुलेंस बाइक है तो उसका ड्राइवर कैसा होगा, पता चला पेशेंट को ही ले जाके कहीं ठोक दिया। अच्छा, एक्सपर्ट नहीं, आपको लगता है ना, पता चला पहले दिल्ली के ट्रैफिक को सुधारे ना, फिर एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ जाए। रेसर की बात नहीं, मान लीजिए वो तो सही चल रहे हैं, पता चला दिल्ली की ट्रैफिक में ठीक है, नहीं ठीक तो है, अल्टीमेटली ठीक है, चलो कोई आ गया जल्दी से पहुंचा दिया हॉस्पिटल, ठीक है, लेकिन उसका एक और भी पहलू है कि पहले ट्रैफिक को सुधारे, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर, जो बाइक जैसे गाड़ियों का ट्रैफिक होता है उसमें एम्बुलेंस फंस जाती है, उस नजरिए से बाइक भी फंस जाता है यहाँ के ट्रैफिक में, तो आप जाइए ना, देखिए ना अजमेरी गेट साइड, चाहे आप दिल्ली का लाल किला से आइए, इस समय आपको पता चलेगा बाइक से क्या होगा। मैम, अगर ये कदम है तो स्वागत योग्य है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि अगर ऐसे एक्सपर्ट भैया ना का एक्सपर्ट ड्राइवर है तो सही है कि ये बिल्कुल वाजिब है कि अगर ट्रैफिक गली गली में नहीं जा सकते, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में बाइक कहीं इसे भी और रोड पे भी ये सुविधा ही रहेगी, क्योंकि वो बाइक है तो स्पीड भी जल्दी से पकड़ लेता है, और ये अगर कदम है तो अच्छा कदम होगा सर। और आपका क्या कहना है? जो ऑड इवन वाला रूल लागू हुआ था, अगर वही अगर चलता रहे कंटिन्यू, तो उससे थोड़ा ट्रैफिक में भी आसानी रहेगी, जिससे एम्बुलेंस कहीं आगे पीछे जाने में भी आसानी रहेगी, और बाकी देखा जाए तो ये निर्णय लिया तो अच्छा है, कोई भी कदम आगे बढ़ाया जाए तो वो देश के लिए अच्छा ही है। नहीं, इस मामले में तो अच्छा है, अगर ये चले तभी ना, अगर इसी तरीके से पहले जैसे और हमारे एम्बुलेंस से बता रहे हैं भाई हमारे खराब पड़ी हुई है, पीछे जो हमने पेपर में पढ़ा था कि हम कितनी हमारी एम्बुलेंस खराब पड़ी, अगर ये भी खराब पड़ी रहेगी तो इसका चलने कोई फायदा नहीं है ना। मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल है, अगर ये भी इसी तरीके से खड़ी रहेगी कहीं पे ना कहीं काम करेगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। अभी इसके बारे में आपसे क्या बोलूं? अच्छा, बाइक मुझे तो कोई कंफर्टेबल नहीं लगता, बाइक कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। कैसे लेके जाने बताइए आप, कि अगर इसके साथ फिल्म देखी है आपने? हाँ, देखी हुई है, जैसे उसमें लेके गए। अच्छा, हाँ तो उसके लिए तो अब मजबूत आदमी चाहिए ना, मजबूत आदमी। अगर बाई चांस अगर घर में कोई और दूसरा बंदा हो वो कैसे करेगा? हाँ जी, हाँ जी, जो एम्बुलेंस जाम में फंस जाती थी, हाँ। उन एम्बुलेंस से भी जगह फायदा भी है इसमें, फायदा भी, अगर अगला बंदा फायदा है इसमें, अगर आपका पेशेंट है, हाँ। एम्बुलेंस फंस गई तो, हाँ। आपकी एम्बुलेंस मोटरसाइकिल वाली पेशेंट भी तो ऐसा होगा जिसे हम ले जा सके, बाइक में कौन सा पेशेंट जा सकता है? अच्छा हुआ है, नहीं अच्छा है, मैं तो केजरीवाल के साथ एकदम साथ हूँ। बाइक वाला सिस्टम तो बहुत अच्छा है क्योंकि कस्टमर के जाम से बचता है। तो केजरीवाल जी के लिए क्या कहना चाहते हैं, अच्छा कदम है? अच्छा ही कदम है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एम्बुलेंस जो है गाड़ी जो है फंस जाती बीच बीच में जाम की वजह से, जाम की वजह से। हाँ जी, अब समय से पहुँचेंगे। हाँ जी, ये बहुत बढ़िया कदम है मैडम, अगर बाई चांस किसी की जिंदगी बचती है तो इससे अच्छा और कोई वो नहीं है। ये ऑटो आपका ही है? यस मैम। तो दिल्ली का ट्रैफिक आपको अच्छे से पता होगा सर। हाँ जी, तो इसमें बाइक कितना कम्फर्टेबल रहेगा? बाइक ठीक है, एम्बुलेंस से ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो तो कहीं भी काट के निकाल सकता है अगर एक्सपर्ट ड्राइवर है तो। एक्सपर्ट, तो अरविंद केजरीवाल का ये कदम के लिए अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया कहना चाहते हैं। मैं भी ऑटो कहना चाहते हैं, आप ये कदम अच्छा है मैडम जी? बहुत अच्छा है, आसानी से आदमी को हॉस्पिटल तक। जी जी जी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि एम्बुलेंस बैक साइड में है और आप साइड देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे? नहीं मिल पाने के सर, मैडम जी नहीं दे पाते हम लोग, बाइक छोटी सवारी है, वो दाहिने बाएं करके आदमी को आसानी से पहुंचा सकता है हॉस्पिटल। तो ये कदम बहुत अच्छा कदम है जी, अरविंद केजरीवाल ने जो शुरू किया बहुत अच्छा कदम, बहुत अच्छा कदम है कि बाइक एम्बुलेंस निकाले है। और आप लोग को पता है दिल्ली का ट्रैफिक कैसा है, गली कैसे है, क्या कहना चाहते हैं? मेरे को लगता है ये कदम ठीक है, अगर इमरजेंसी में किसी को बाइक के ऊपर भी पहुँचाया जाता है तो वो भी एक बेटर सिचुएशन रहेगी, रादर देन कि आप एक फोर व्हीलर में ट्रैफिक के अंदर फंसे रहें, मेरे को ऐसा लगता है। क्या कहना चाहते हैं अम्मा जी? आपने देखा होगा कि दिल्ली में रहते हैं, हाँ। दिल्ली का ट्रैफिक देखते हैं, गली देखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो नया कदम, हाँ। उनका पहले एम्बुलेंस में आते थे लोग, हाँ, हाँ। बट अभी उन्होंने बाइक निकाली, हाँ। मरीजों को ले जाने के लिए हॉस्पिटल, हाँ। क्या कहना चाहते हैं? कहना है ये असवारी से जाओ, असवारी से आना, अच्छा से सेवा हो खो, ये है हम ये तो अच्छा है ये, हाँ ये है, हाँ, अच्छा है, हाँ अच्छा है, हाँ ये है,
जो अच्छा से मरीज के देखो, धाका धुकी ना खाओ, आए अच्छा से दवाई मिल जाओ, अच्छा से इलाज हो जाओ। अच्छा ठीक है, यह है। तो मैडम, अभी जो दिल्ली सरकार ने नया कदम जो बाइक एम्बुलेंस निकाले, कहाँ तक मानते हैं कि ये अच्छा है? नहीं, इट इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अगर कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है और अगर उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है तो बाइक इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, तो ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हम एम्बुलेंस को स्पेस दें, पर अगर हम खुद ड्राइव कर रहे हैं और रेड लाइट है तो वी कांट, नहीं हो पाता, तो बाइक इज़ एक्सेलेंट ऑप्शन अगर उसको इतने इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है तो। तो आपका क्या कहना है मैडम? जैसे हम लोग कभी ट्रैफिक में रहते हैं, पीछे हमारी एम्बुलेंस रहते हैं, लेकिन हम साइड नहीं दे सकते, तो उस टाइम क्या महसूस करते हैं? बाइक तो निकल सकते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कदम क्या है? जैसे जो गाड़ी वाड़ी चला रहे हैं उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए, अगर स्पेस है तो वो खुद स्पेस देनी चाहिए। अगर वो अगर ऑप्शन होता तो मुझे नहीं लगता ये बाइक का ऑप्शन लोग ये सब लेके आ सकते थे। मेरे हिसाब से दोनों सही है, लेकिन अब जो इन्होंने सरकार ने निकाला है वो ज़्यादा अच्छा है। क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल जी के? वो तो हमेशा से कुछ ना कुछ तो अच्छा करते हैं, अब ये भी कुछ सोच समझ के ही कर रहे होंगे। माय फादर आल्सो लाइक्स हिम, सो वी लाइक हिज वर्क। केजरीवाल के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता कि भाई उन्होंने जो स्टेप लिया वो मेरे को लगता है ठीक है। इमीडिएट अगर कोई रिलीफ मिल सकता है, नियरेस्ट हॉस्पिटल पे आप पहुंच सकते हो, तो मुझे लगता है ठीक है। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी देखा जाए तो उसमें बहुत सुधार किया गया है, और अभी केजरीवाल ने जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर उनको भी पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, तो जरूर अच्छा कुछ होगा। मैडम जी, इसमें छोटी सवारी की जरूरत है जो आराम से निकल जाए, इसलिए बाइक जरूरी है और बहुत अच्छा सुविधा है। जी, बड़ी गाड़ी से हम लोग जी साइड नहीं दे पाते हैं, नहीं ले पाते हैं एम्बुलेंस को, तो बाइक आराम से निकल जी बाइक आराम से निकल जाती है और मरीज को हॉस्पिटल तक आराम से पहुंचाया जा सकता है। कैसा कदम है जी? बहुत अच्छा कदम है जी केजरीवाल जी के लिए।